रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आयशा, मयूरा और वंशिका तीनों बचपन से ही सहेलियां थीं। तीनों में बेहद प्यार था, ठीक वैसे ही जैसे कि फिल्मों में होता है। एक दिन तीनों एक कैफे में बैठी हुई कॉफी पी रही होती है, तभी कायशा की नज़र दूसरी टेबल पर बैठे एक कपल पर जाती है और वो उन्हें देखकर बोलती है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये दोनों साथ में, काश ऐसे ही कोई मेरा हाथ पकड़ता, मुझे स्पेशल फील करवाता, ना जाने कब मिलेगा मुझे मेरा लकी बॉय। हाँ यार, कॉलेज भी ऐसे ही खत्म हो गया, जॉब भी लग गई हम तीनों की, लेकिन अब भी तीनों सिंगल है। अब तक किसी भी स्मार्ट लड़के ने गुलाब का फूल तक नहीं दिया। तुम दोनों उदास मत हो, कहो तो मैं तुम्हें गोभी का फूल दे दूं। इससे दो फायदे होंगे, तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा और आज की सब्जी का जुगाड़ भी हो जाएगा। वंशिका की बात सुनकर दोनों गुस्से में एक साथ बोलती हैं, ओ शट अप यार। अबे मैं तुम दोनों को तसल्ली दे रही थी, चिंता मत करो यारो, बहुत जल्दी ही तुम देखना हमारी जिंदगी में भी एक आकर्षक लड़की की एंट्री होगी, तब तक बस इंतजार करो। यार तो चुप हो जा, वैसे इतने दिनों बाद मिले हैं, अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, अब तो मूड ऑफ मत कर। अच्छा चिल गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हमारी जिंदगी में किसी को आना होगा ना, तो वो खुद आ जाएगा। वो तीनों इस बात से अनजान थी कि उनके पीछे बैठा आकर्ष उन तीनों की सभी बातें सुन चुका था। तीनों सहेलियां कॉफी पीकर वहां से जाने लगती है। कायशा और मयूरा दोनों ही एयर होस्टेस थी, तो वहीं वंशिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उनके टेबल से जाने के बाद आकाश खुद से बोलता है, चिंता मत करो मेरी अप्सराओं, मैं तुम तीनों के सपने को अकेले पूरा करूंगा। वो सभी बेवकूफ होंगे जिन्होंने तुम तीनों ब्यूटीफुल्स पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं, तुम तीनों को एक एक करके पटाऊंगा। पहले इन दोनों के पीछे जाता हूँ, दोनों हाथ में लड्डू पहले जरूरी है, तीसरी को बाद में देखूंगा। वंशिका वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आकाश उन दोनों के पास आकर बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो। ओह थैंक यू सो मच। लड़कियों से फ्लर्ट करने वाला आकाश सबसे पहले मयूरा को अपने जाल में फंसाते हुए बोलता है, जी वो मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, वो भी पहली नजर में, मेरा दिल कबूल कर लो प्लीज। वैसे कम तो तुम भी नहीं मिस्टर, लेकिन प्यार वो भी 5 मिनट के अंदर, ये कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं लगता। प्यार करने के लिए सामने वाले को समझना पड़ता है। अरे तुमने वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं सुना क्या? मुझे तुमसे वही हो गया है, पहली नजर का प्यार। मयूरा ज्यादा नाटक मत कर, अरे प्यार खुद तेरे पास चल के आया है, वो भी आई लव यू के साथ। एक काम करती हूँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ, फिर तो प्यार हो ही जाएगा। क्या सोचने लगी तुम? अरे मैं बहुत शरीफ हूँ, कम से कम दोस्ती तो कर लो। तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना तो मेरा काम है, बस एक बार दोस्ती हो जाए। दोनों एक दूसरे से अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, जिसके बाद अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं, और अब आकाश अपने झूठे प्यार के जाल में मयूरा को उलझा ही लेता है। और बहुत ही कम समय में दोनों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहां मयूरा बोलती है, आकाश सच कहा था तुमने, मुझे तुमसे बेशुमार प्यार हो गया है, और अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती, लेट्स गेट मैरिड। शादी? बेबी इतनी भी क्या जल्दी है, कर लेंगे। अबे इसे इतनी जल्दी शादी का भूत कहाँ से चढ़ गया? आकाश बाद में भी तो करनी ही है, और अभी क्या प्रॉब्लम है, तुम भी अपने पैरों पे और मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हूँ। लगता है अब गलती करने का वक्त आ गया, लेकिन पहले इसकी दूसरी सहेली का नंबर तो ले लूँ। बेबी एक बार फोन देना, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं, एक फोन करना है। मयूरा उसे अपना फोन दे देती है, जिसके बाद आकाश उसमें से कायशा का नंबर अपने फोन में सेव कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं, और आकाश का अगला शिकार होती है कायशा। वो कायशा को फोन करके बोलता है, हाय कायशा, आकाश बोल रहा हूँ। कौन आकाश? अच्छा मेरी फ्रेंड मयूरा का बॉयफ्रेंड। प्लीज यार तुम उसका नाम मत लो, मैं उसे बात नहीं करता, मुझसे गलती हो गई थी, जो मुझे उससे प्यार हुआ था वो बहुत शक्की है, और वो मुझसे बहुत झगड़े करने लगी थी, इसीलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। अरे तो मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? क्योंकि वो तुम्हारे बारे में भी बहुत फालतू बातें कर रही थी, मुझसे सुना ही नहीं जा रहा था, इसीलिए उसकी और मेरी लड़ाई हो गई। अब तुम बताओ
कोई अपनी दोस्त के बारे में ऐसी बातें बोलेगा तो गुस्सा आएगा ना। अच्छा जी, क्या बोला उसने? उसने ऐसा कहा? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भूल जाओ, मैं उसकी कही घटिया बातें तुम्हें नहीं बताना चाहता, लेकिन तुम्हें दोस्त समझकर बताना जरूरी समझता हूँ। बचपन की सहेली होकर भी उसने अपना ऐसा रंग दिखाया और तुमने मेरे लिए उससे ब्रेकअप कर लिया। वो लड़ाकू तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती है, अब मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। लड़कियों से फ्लर्ट करने वाला आकर्ष इस बार कायशा को अपना अगला टारगेट बनाता है और धीरे धीरे दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है और कम समय में ही कॉल कन्वर्सेशन में बदल जाती है। जिसके बाद एक दिन दोनों एक पार्क में मिलते हैं, जहां आकर्ष फिल्मी बातें करते हुए बोलता है, यार आज मेरा कत्ल करने का इरादा करके आई हो क्या? मतलब? यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, काश कि मैंने मयूरा की जगह तुमसे प्यार किया होता। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है आकर्ष, मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ, आई लव यू। इतना बोलकर कायशा उसके गले लग जाती है, जिसके बाद आकर्ष मन में बोलता है, मजे है आकर्ष तेरे तो, दोनों फ्रेंड्स को एक दूसरे के खिलाफ कितनी आसानी से भड़का दिया, किसी को एक भी नहीं मिलती और यहाँ मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। बस ऐसे ही चलता रहे, अब बारी है तीसरी की, उसे पटाने के लिए अलग सोचना पड़ेगा, उसके बारे में इसे पूछ ही लूंगा, लड़कियों को बेवकूफ बनाना बहुत इजी है। आकर्ष बातों ही बातों में उससे वंशिका के बारे में पूछ ही लेता है, जिसके अगले ही दिन वो उसकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है और कंपनी उसे जॉब प्रोवाइड करती है। गुजरते वक्त के साथ साथ अब वो किसी ना किसी बहाने से वंशिका से बात करने की कोशिश करता। ये सब देखकर एक दिन वंशिका उसे बोलती है, क्या प्रॉब्लम है मिस्टर? मैं नोटिस कर रही हूँ, तुम जब से आए हो तब से मुझे ही देख रहे हो, कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? हाँ, जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है, हर वक्त तुम्हें ही सोचता हूँ, लगता है तुमसे प्यार हो गया है। तुम बताओ इसमें मेरी क्या गलती? तुम हो ही इतनी अट्रैक्टिव और खूबसूरत, हाय सागर जैसी आंखें हैं तुम्हारी जिसमें मैं डूब ही जाता हूँ। थैंक यू यार, आज से पहले किसी ने मेरी तारीफ इस कदर नहीं करी। कैन वी फ्रेंड्स? श्योर गॉर्जियस, इसी बहाने तुम्हें छू तो लूंगा। आकर्ष अपनी चाल में कामयाब हो जाता है और अब वो उसकी दोनों सहेलियों के साथ वंशिका को भी डेट करने लगता है। तीनों ही इस बात से अनजान थी कि आकर्ष एक साथ तीनों से फ्लर्ट कर रहा है। एक रोज जब वो तीनों उसी कैफे में मिलने आती है तो आकर्ष को इस बात का पता नहीं होता और मयूरा बोलती है, कायशा मुझे तो यकीन था कि तू आज आएगी, कितने वक्त से बात नहीं कर रही। मैं तुझसे यहाँ मिलने नहीं आई, लेकिन अब जब तू मिल ही गई है तो ये बता कि उस दिन तूने आकर्ष से मेरे बारे में वो सब कुछ क्यों कहा जिससे तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप? अबे किसने कहा तुझे कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया? कल ही तो मिला था वो मुझे। क्यों झूठ बोल रही है? उसने तुझसे ब्रेकअप कर लिया है, उसने मुझे खुद कहा है। अबे वो तुझे क्यों बताएगा ये सब? क्योंकि अब वो मुझसे प्यार करता है, वो कल मुझसे मिलने आया था। अबे गाइस लड़ो मत, क्या पता वो तुम दोनों को एक साथ चीट कर रहा हो। और क्या नाम बताया तुम दोनों ने उसका? आकर्ष। एक मिनट, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम भी आकर्ष है। तुम दोनों में से किसी के पास उसकी फोटो है? हाँ मेरे फोन में है। वंशिका जैसे ही कायशा के फोन में फोटो देखती है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलती है, इसकी भैंस की आँख, ये सिर्फ तुम दोनों को ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दे रहा है। तभी मैं कहूँ ये इतने फिल्मी डायलॉग क्यों मारता है, इसका मतलब हम तीनों एक ही लड़के से प्यार कर बैठी। इस तरह तीनों को सच का पता चल जाता है, जिसके बाद वंशिका उसे कॉल करके उसी कैफे में बुलाती है, जहां आकर्ष उन तीनों को एक साथ देखकर डर जाता है और तीनों उसे जोरदार तमाचे मारती है और वंशिका बोलती है, ये चाटा खाकर अब तुझे याद रहेगा कि एक साथ तीन लड़कियों से फ्लर्ट करने का अंजाम क्या होता है। अगली बार हमें दिख मत जाइयो, वरना तुझे तो मैं अपने गुस्से की आग से अंतरिक्ष में भेज दूंगी। इस तरह समय रहते तीनों को सच का पता चल जाता है और आकर्ष के झूठे प्यार का पर्दाफाश होता है और तीनों सहेलियां एक बार फिर से अपनी बैचलर्स लाइफ को एंजॉय करने लगती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।